इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर गुगांव पुलिस ने अवैध पिस्टल और देशी कट्टे की सप्लाई का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सिकलीकर और उज्जैन के हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 पिस्टल और कट्टे बरामद किए हैं। एसपी धर्मवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गठित टीम ने मुखबिर के बताए स्थान ग्राम मछल गांव में घेराबंदी कर अजय सिंह पिता गुरुदेव उर्फ गोगा निवासी सिग्नोर को पकड़ा, जिसके साथ लाए बैग से 13 पिस्टल और 2 देसी कट्टे सहित निर्माण सामग्री 3 लाख रुपए की बरामद हुई है। इसके अलावा अजय के घर से 5 पिस्टल बरामद हुई। एसपी ने बताया कि अजय को पिस्टल बनाने में पिता गुरुदेव उर्फ गोगा ने भी मदद की थी, जो फरार है। इसके अलावा एक भाई भी हथियार निर्माण और तस्करी के आरोप में ही इंदौर जेल में बंद है। पूछताछ में अजय ने पुलिस को बताया कि अपने पिता गुरुदेव उर्फ गोगा के साथ मिलकर तैयार किए हैं और यह अकबर उर्फ खन्ना पिता महबूब खान निवासी चिंतामण नगर थाना चीमनगंज उज्जैन और अमन लोहार उज्जैन को बेचने के लिए बनाए थे। पहले भी उन्हें हथियार बेच चुका है। एसपी ने बताया कि हथियार निर्माण मामले में कबाड़ियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर सामग्री इन्हें कबाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हथियार का सौदा कर रुपए का लेन देन भी यह शातिर तरीके से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। उसमें जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोगामा क्षेत्र के सिग्नूर इलाके में लगातार इस प्रकार की शिकायतें रहती हैं कि वहाँ कई व्यक्तियों के द्वारा अवैध आर्म्स बनाए जाते हैं। ये पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसमें थाना प्रभारी गोगामा को इनपुट प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति है जो सिग्नूर का रहने वाला है और वो बड़े स्केल पे इस प्रकार के अवैध आर्म बनाता है। 11 तारीख को एक बड़ी पार्टी से उसकी डील की हुई है और हथियार लेके जाने वाला है। इस पे एक ट्रैप प्लान किया गया, उसमें अजय को कस्टडी में लिया गया। उसकी हिरासत उसकी कस्टडी से 15 पिस्टल बरामद हुई। सब्सिक्वेंटली जब पूछताछ हुई तो उसका जानकारी ये मिली कि अमन नाम का व्यक्ति था जो उसे डील करने वाला था और इसके द्वारा बड़ी संख्या में हथियार एक अकबर नाम के व्यक्ति को जो उज्जैन का रहने वाला है और वहाँ का क्रिमिनल है उसको भी सप्लाई किए गए हैं। इमीडिएटली उज्जैन टीम भेजी गई तो उज्जैन से अकबर को हिरासत में लिया गया है। ये पूरे ऑपरेशन में 25 पिस्टल सीज हुई है और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके और भी जो लोग इस इनके संपर्क में होंगे इनसे डील की होगी, इन पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।